Children, now we are going to study about adaptations in plants or how plants survive. Plants can be found everywhere, almost all over the earth. Plants need to adapt to the natural conditions of that place where they grow to be able to survive there. That means plants अपने आप को adapt कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं उस जगह के लिए जिस natural condition में वो grow करते हैं ताकि वो जिंदा रह सके. A place with living conditions suitable for an organism is known as its habitat. जो जगह कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल होता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है. फीचर्स दैट हेल्प ऑर्गेनिज्म्स फॉर सर्वाइविंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट आर कॉल्ड एडेप्टेशंस. जो फीचर्स एक ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिटेट यानी जिस जगह पे वो रहता है, जिस जगह पे उगता है, उसमें रहने के लिए हेल्प करता है, उसे कहते हैं एडप्टेशन. प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. प्लांट्स अलग अलग किस्म के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट जिस जगह पे वो रहते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर एडप्टेशन जिस तरह से वो अपने आप को उस कंडीशन में जहाँ वो रहते हैं उस कंडीशन में रहने के लिए एडप्ट कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स खाना जिस तरह के खाते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड स्ट्रक्चर. उनके साइज और स्ट्रक्चर मीन्स वो कितने बड़े हैं, उनके स्टेम कैसे हैं, इससे भी उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है. Classification of plants can be done on the size and structure of stem. If the stems are hard, again they are classified in three groups: tree, shrub and herb. And if the stem are soft and weak, they are classified into creepers and climbers. Herbs. Herbs are small plant with less than 1 meter in height. Green, soft stem. For example, grass, cabbage, coriander. ये herbs जो होते हैं वो छोटे छोटे plants होते हैं, वो बड़े grow ही नहीं कर सकते हैं. Shrubs, medium-sized plants with woody stem and they are bushy plants. जो shrubs होते हैं उनके woody stem हो सकते हैं, लकड़ी जैसे stem हो सकते हैं, इनके लकड़ी वाले stem नहीं होते हैं herbs के, बिल्कुल soft green stem होते हैं. और shrubs can grow up to 1 to 3 meter in height और इनके thin stem होते हैं, बहुत मोटे वुडी स्टेम नहीं होते हैं, थिन स्टेम होते हैं. और इनके थिन ब्रांचेस भी होते हैं और वो ब्रांचेस ग्राउंड लेवल से ही शुरू हो जाते हैं. श्रब्स हैव थिन ब्रांचेस स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट अबव द ग्राउंड, जैसे रोज प्लांट हो गया, मेहंदी या हिना हो गया, लेमन ट्री हो गया, लेमन प्लांट हो गया. नेक्स्ट आर ट्रीज जो सबसे बड़े होते हैं. Trees are tall and large plants with hard and thick woody stem. बहुत मोटा तना इसका होता है और इसके branches भी grow करते हैं, पर काफ़ी height के ऊपर से
ब्रांचेस ग्रो करना शुरू करते हैं, श्रब्स में बिल्कुल ज़मीन से ही ब्रांचेस ग्रो करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए वो बुशी प्लांट्स होते हैं, झाड़ बन जाते हैं इसके ज़मीन के पास से ही। और इसको यूजुअली हम लोग श्रब्स जो हैं वो हेजेस, आपने स्कूल गार्डन में हेजेस में देखा होगा, ये बुशी प्लांट्स जो लगाया जाता है उनको श्रब्स कहते हैं। ट्री टॉल एंड लार्ज प्लांट्स विद हार्ड एंड थिक वुडी स्टेम, देयर हाइट ग्रोज मोर देन 3 meters, 1 से लेकर 3 meter तक श्रब्स होते हैं, 3 meters से ऊपर जो जाते हैं वो ट्रीज कहलाते हैं। दे हैव वन मेन स्टेम कॉल्ड ट्रंक, जो उनका मोटा सा तना होता है उसको ट्रंक कहा जाता है। ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द ट्रंक एट अ सर्टेन हाइट, कुछ हाइट तक ये स्टेम, मोटा वाला स्टेम ऊपर जाता है और उसके बाद उसके ब्रांचेस होना बनना शुरू होते हैं, जैसे नीम ट्री, मैंगो ट्री, आसपास हम लोगों ने देखा हो पीपल ट्री, बैनियन ट्री, इन सबको ट्री कहा जाता है। नाउ सॉफ्ट एंड वीक स्टेम जिसके होते हैं क्रीपर्स, क्रीपर्स जो होते हैं वो ज़मीन पे ही रेंगते रहते हैं, वो ऊपर नहीं चढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि यूजुअली उसमें बहुत हैवी फ्रूट्स होते हैं। दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट, सीधा वो खड़े नहीं हो सकते हैं, जैसे लौकी, पम्पकिन, सीताफल और पुदीना, मिंट, ये वाले जो प्लांट्स हैं वो ज़मीन के साथ ही लगे रहते हैं और ज़मीन के ऊपर ही फैलते जाते हैं, क्योंकि अगर ये वाले क्रीपर्स ऊपर चढ़ जाए और पम्पकिन जैसा या वाटरमेलन जैसा बड़ा फ्रूट उसमें लगे तो वो टूट जाएगा, इसीलिए ये ज़मीन पे ही रहते हैं और फ्रूट्स ज़मीन पे ही आते हैं। और या तो थोड़े से डिस्टेंस, अगर कोई फार्मर इसे कल्टीवेट कर रहे हैं या कोई इंसान इसे लगा रहा है तो उनको थोड़े से डिस्टेंस तक वो चढ़ा देते हैं किसी के सहारे, पर खुद नहीं चढ़ सकते। पर क्लाइंबर्स जो होते हैं वो और थिन होते हैं और इनके पास अपना ही मॉडिफाइड स्टिपुला होता है या फिर लीव्स होते हैं जो कि टेंड्रिल्स में बदल जाते हैं। द स्टेम्स टेक द सपोर्ट ऑफ द नेबरिंग प्लांट्स और सपोर्ट टू क्लाइंब अप, फॉर एग्जाम्पल पी, मनी प्लांट। See the modified leaves. These are called tendrils. ये भी नोड से ही निकलते हैं, ये देखो ये नोड से निकले हुए हैं, ये नोड्स, ये नोड, नोड से एक लीफ निकला हुआ है और ये एक टेंड्रिल निकला हुआ है। ये नोड है, नोड से ये एक लीफ निकला हुआ है, लीफ, टेंड्रिल और ये एक्सिलरी बर्ड। इफ यू फाउंड द वीडियो यूजफुल शेयर इट विद अदर्स दोज हु कैन बी बेनिफिटेड।